आदरणीय सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी के प्रेरक उद्बोधन पर आभार प्रस्ताव की चर्चा में शरीक होने के लिए और राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करने के लिए कुछ बातें प्रस्तुत करूंगा। राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के 130 करोड़ नागरिकों की संकल्प शक्ति का परिचायक है। विकट और विपरीत काल में भी यह देश किस प्रकार से अपना रास्ता चुनता है, रास्ता तय करता है और रास्ते पर अचीव करता हुआ आगे बढ़ता है, ये सारी बातें विस्तार से राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कही है। उनका एक एक शब्द देशवासियों में एक नया विश्वास पैदा करने वाला है और हर किसी के दिल में देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा जगाने वाला है और इसलिए हम उनका जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है। इस सदन में भी 15 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई है, रात को 12-12 बजे तक हमारे सभी माननीय सांसदों ने इस चेतना को जगाए रखा है, चर्चा को जीवंत बनाया है, अधिक शार्पन किया है। इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं विशेष रूप से हमारी महिला सांसदों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि इस चर्चा में उनकी भागीदारी भी ज्यादा थी, विचारों की धार भी थी, रिसर्च करके बातें रखने का उनका प्रयास था और अपने आप को इस प्रकार से तैयार करके कि उन्होंने इस सदन को समृद्ध किया है, चर्चा को समृद्ध किया है और इसलिए उनकी तैयारी, उनके तर्क और उनकी सूझबूझ, इसके लिए मैं विशेष रूप से महिला सांसदों का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भारत आजादी के 75 वर्ष एक प्रकार से अभी दरवाजे पर दस्तक दे ही रहे हैं। 75 वर्ष का पड़ाव हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का है और आगे बढ़ने के पर्व का भी है और इसलिए समाज व्यवस्था में हम कहीं पर भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में हमारा स्थान कहीं पर भी हो, लेकिन हम सब ने मिलकर के आजादी के इस पर्व से एक नई प्रेरणा प्राप्त करके, नए संकल्प लेकर के 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हम उस 100 साल की भारत की आजादी की यात्रा के 25 साल हमारे सामने हैं, उन 25 साल को हम देश को कहां ले जाना है, दुनिया में इस देश की मौजूदगी कहां करनी है, ये संकल्प हर देशवासी के दिल में हो, ये वातावरण बनाने का काम इस परिसर का है, इस पवित्र धरती का है, इस पंचायत का है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश जब आजाद हुए और जो आखिरी ब्रिटिश कमांडर थे वो यहां से जब गए तो आखिर में वो यही कहते रहते थे कि भारत
कई देशों का महाद्वीप है। भारत कई देशों का महाद्वीप है और कोई भी इसे एक राष्ट्र कभी नहीं बना पाएगा, ये घोषणाएं हुई थी। लेकिन भारतवासियों ने इस आशंका को तोड़ा, जिनके मन में ये प्रकार के शक थे उसको समाप्त कर दिया और हमारी अपनी जिजीविषा, अपनी सांस्कृतिक एकता, हमारी परंपरा आज विश्व के सामने एक राष्ट्र के रूप में खड़े हैं और विश्व के लिए आशा का किरण बनकर के खड़े हुए हैं। ये 75 साल की हमारी यात्रा में हमने पाया।